हाय गाइस वेलकम 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 टू दिस वीडियो एंड लाइक इस वीडियो में आपको कंप्लीट पार्ट पता चलेगा कि कैसे हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन मूव करते हैं एंड मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है कि क्यों अप लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन मूव नहीं कर पाते क्या मिस्टेक कर लेते हैं एंड क्या चीज़ अपने को कहनी है अपने बिजनेस को ऑनलाइन मूव करने में सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड नाउ लेट्स जम्प टू माई कंप्यूटर क्लीन सो अगेन गाइस वेलकम टू दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन मूव कर सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइस द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कंपनीज अपने बिजनेस को ऑनलाइन क्यों मूव नहीं कर पा रही लाइक क्या वो दिक्कत हैं जिसकी वजह से कंपनीज ऑनलाइन मूव नहीं हो पा रही सो द फर्स्ट इशू इज़ कि लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन मूव होना आज के ज़माने में काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड उसके बजट के बाहर है सो लेट मी टेल यू दैट ये कम्प्लीटली एक मिथ है एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक मूविंग एंड बिजनेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर बजट लाइक एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता बिजनेस को ऑनलाइन मूव करने का इसके लिए हम अलग अलग बजट पर बना सकते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन मूव कर सकते हैं एंड जो भी आपका बजट सेट होगा वो एज़ कंपेयर टू ऑफलाइन मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा चीप होगा बिकॉज लाइक like, ऑनलाइन मार्केटिंग की एक बहुत ही अच्छी बात है कि लाइक पे पर योर टारगेट लाइक हमें खाली अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए पे कहना होता है एंड लाइक like हमें सब को टाइगेट नहीं कहना तो बेसिकली हम एक लिमिटेड ऑडियंस के साथ जो अपने सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं हम खाली उनको टारगेट कर सकते हैं एंड खाली हम उसका ही पे करेंगे कोई अलग से को एक भी पैसा नहीं देंगे सो बेसिकली एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ चीप एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव सो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्लॉपर वर्क तो सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि कई लोग ऑनलाइन चालू कर लेते हैं वो अपनी वेबसाइट भी बनवा लेते हैं एंड वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लेते हैं पर वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते एंड वर्क भी प्रॉपर नहीं होता लाइक कई कई लोग क्या कहते हैं लाइक like, कभी कभी लोग एजेंसीज़ के पास जाते हैं तो एजेंसीज भी पैसा बनाने के लिए जूते वादे कर लेते हैं कि लाइक फ्रॉम फ्रॉम द फर्स्ट मंथ यू विल गेट द टारगेट बट ऐसा नहीं होता एंड लाइक like, वादे पूरे नहीं होने की वजह से या तो कई लोग अपना काम कैंसिल करवा देते हैं या तो वो खुद करने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी खो देते हैं तो बेसिकली द सेकंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्लॉप अवर्क जिसकी वजह से कई बिजनेसेस कंसिस्टेंस नहीं रह पाते एंड वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन मूव नहीं कर पाते हैं. सो द थर्ड पॉइंट इज़ नॉट प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी विथ कंपनीज़ तो जैसे अभी मैंने बताया कई कंपनीज क्या कहती हूँ और जूठे वादे कहती हैं कि लाइक हम आपको फर्स्ट मंथ में ही इतना बिजनेस ला देंगे ये वो खाली कुछ पैसे बनाने के लिए जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कुछ लोगों के साथ कुछ बिजनेसिस के साथ ये स्कैम हो जाता है कि वो उन कंपनीज के चक्कर में आके उनको पैसा दे, दे देते हैं एंड जैसे ही पहला मन खत्म होता है उनके सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं सो ड्यू टू डेथ ओनली फिर लोगों को एक डल हो जाता है कि ऑनलाइन मूव कहना तो एक स्कैम है एंड वो किसी भी कंपनी के ऊपर त्लस्ट नहीं कह पाते हैं बिकॉज उनके साथ पहले एक स्कैम हुआ हुआ है सो बेसिकली मेन ये तीन रीजन है जिसकी वजह से एक कंपनी ऑनलाइन मूव नहीं कर पा ली मतलब कुछ कंपनियां आज तक ऑनलाइन मूव नहीं हो पाई हैं सो गाइस नाउ लेट अस मूव टू सेकंड स्लाइड एंड सेकंड स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग द प्लेजेंस ऑफ योर बिजनेस ऑनलाइन सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज योर वेबसाइट सो कई एजेंसीज क्या मिस्टेक करती हैं वो अपनी खुद की वेबसाइट नहीं बनाती एंड वो थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है जिसकी वजह से वो अपना कुछ डेटा नहीं बना पाती क्योंकि उनके जितने भी कस्टमर्स का डेटा होता है वो होता है थर्ड पार्टीज के ऊपर सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट विच आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स का डेटा ले पाए एंड आप, आप उनको फ्यूचर में भी टारगेट कर पाएं सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट मेकिंग योर वेबसाइट सो द सेकेंड पॉइंट इज हैविंग योर प्लेजेंस ऑन सोशल मीडिया सो बहुत लोग ये मिस्टेक कहते हैं कि वो खाली सोशल मीडिया पर हाँ तो अपना अकाउंट बनाते हैं हाँ तो अकाउंट भी नहीं बनाते बट लेट मी टेल्यू देट इस दुनिया में हर दूसरा आदमी एक सोशल मीडिया पर है सो सोशल मीडिया वो जगह है जहाँ पर अपने को फुल ऑन पब्लिक मिलेगी तो so, बेसिकली हमें अपनी एडवर्टीजमेंट वहाँ का ही नहीं है जहाँ लोग हों सो सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू एडवर्टाइज अवर बिजनेस एंड नाउ लेट मी टेल्यू दैट वॉट सम पीपल आर डूइंग

पोस्ट पे जाके लाइक करना कमेंट करना वो खाली वन परसेंट है इसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं जैसे हैश टैग कहना एडवर्टिजमेंट चलाना पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना उनको अपनी सर्विसेज दिखाना मार्केटिंग करना इसके अलावा भी बहुत चीज़ है एंड जो हम डेली लाइफ में सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो खाली वन परसेंट ऑफ फीचर्स हैं सोशल मीडिया के जैसे लाइक हो गया कमेंट हो गया या किसी को फॉलो करना हो गया उसके अलावा सोशल मीडिया में बहुत कुछ है जिसकी थ्रू हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले के जा सकते हैं एंड द थर्ड पॉइंट इज मेकिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू ही हम अपने कंपनीज के रिव्यूज लोगों को दिखा सकते हैं एंड अपने हम कंपनी का ओवरव्यू दिखा सकते हैं कि व्हाट इज अवर कंपनी एंड उसके थ्रू ही मीन्स एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू ही हम अपने बिजनेस में काफ़ी लीड्स लेके आते हैं जैसे मैं अगर अपनी कंपनी का नाम सर्च करता हूँ एन के एम डिजिटल गूगल पे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फुल गूगल बिजनेस पेज आ गया है एंड यहाँ पर आप देखेंगे हमें फोर गूगल रिव्यूज़ भी मिले हुए अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द कम्प्लीट डिटेल्स ऑफ अवर बिजनेस ऑनलाइन ऑन गूगल मैप सो बेसिकली थर्ड स्टेप जो अपना है वो है स्टार्ट मेकिंग प्रोफाइल ऑन गूगल बिजनेस एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इफ़ यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड कई लोग क्या कहते हैं इसी चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं जिनकी वजह से उनका बिजनेस गूगल पे विजिबल ही नहीं हो पाता है सो लेटस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज द गेम ऑफ सोशल मीडिया सो बेसिकली लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल like, यूज़ में हम अपने सोशल मीडिया को खाली वन परसेंट ही यूज कहते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट सोशल मीडिया का ऐसा है जो कि बहुत कम लोगों को पता है एंड जिसको यूज़ करके हम अ लॉट ऑफ बिजनेस जनरेट कर सकते हैं मतलब हम अपने बिजनेस के लिए काफ़ी क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया विथ कंसिस्टेंसी सो लाइक कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है हमें एक पर्टिकुलर टाइम में टाइम इंटरवल में अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए अब यहाँ पे कई लोग या कई एजेंसीज क्या मिस्टेक कर लेते हैं वो डेली पोस्ट कहने लग जाते हैं एंड एक समय ऐसा आता है कि उनके पास कुछ पोस्ट कहने के लिए ही नहीं होता तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप ये नहीं है इसका मतलब कि आप डेली पोस्ट करें बट इसका मतलब ये है कि लाइक अगर आप वीक में दो बार पोस्ट कहते हैं लाइक मेक श्योर देट यू आर पोस्टिंग टू टाइम्स ईच एंड एवरी वीक लाइक आप हर वीक में एटलीस्ट दो बाय सेम डे पे एंड सेम टाइम पे पोस्ट कर रहे हैं अगर ऐसा होगा तो सोशल मीडिया खुद आपके अकाउंट को एक बूस्ट देगा एंड आपके अकाउंट को काफ़ी ऑडियंस तक पहुँच जाएगा जो आपके नीच से ले लेते थे मीन्स जो आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड है नॉर्ट द सेकेंड पॉइंट स्टार्ट लर्निंग एडवर्टिजमेंट ऑन मंथली बेसिस लाइक अभी दो हजार बाईस एंड दो हजार तेईस के साल में क्या हो गया है ऑर्गेनिक ख़त्म हो गया है बिकॉज एक ही बिजनेस के काफ़ी कंपटीशन है अभी सोशल मीडिया पे, सो so बेसिकली उसके लिए हमें क्या कहना होता है हमें थोड़ी बहुत पेड एडवर्टिजमेंट भी चलानी होती है मंथली बेसिस पे सो दैट वी कैन लीच आउट टू न्यू ऑडियंस अगर हम एडवर्टिजमेंट नहीं चलाएंगे तो जो क्लाइंट्स हम एक साल में लेके आना चाहते हैं उसके लिए हमें दस साल लग जाएंगे एंड इतना टाइम कोई भी बिज़नेस के पास नहीं होता so the second point is start learning advertisement and get your profile visible to more and more customers. so moving to the third point, start using hashtag and reach your post to more audience. so like कई लोग क्या कहते हैं अपने post में hashtag ही नहीं डालते and वो ऐसे ही post कर लेते हैं and कई लोग क्या कहते हैं third party website के ऊपर depend होते हैं जो हैशटैग टैग आपको निकाल के देती है बट ऐसा नहीं होता हैशटैग डालने का एक सही प्रॉपर वे होता है जैसे मैं अगर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलूं एंड यहाँ पे अगर मैं अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ लेट माय प्रोफाइल लोड सो हेयर लेट मी ओपन एनी ऑफ द पोस्ट सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब हैश टैग एंड ये सब हैश ना मैंने कोई वेबसाइट से निकाला है ना मैंने कुछ निकाला है ये मैंने अपने खुद से ही लिखा है खुद से मैंने हैच टैग की रिसर्च की है एंड खुद से ही मैंने लिखा है एंड आप देख सकते हैं कि लाइक नाउ आई एम हैविंग वन पॉइंट टू के फॉलोअर्स एंड ये फॉलोअर्स दिन बाय दिन इंक्रीज हो रहे हैं लाइक like में हमने पोस्ट कोविड में ही अपना इंस्टाग्राम चालू किया है तो उसके बावजूद भी यहाँ पे 1000 प्लस फॉलोअर्स आ गए सो लाइक द फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे सो हेयर द थर्ड पॉइंट इज दैट स्टार्ट यूजिंग प्रॉपर हैशटैग एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी थर्ड पार्टी वेबसाइट खुद ही रिसर्च कीजिए एंड खुद ही अपने नीच के लिए सही हैश टैग ढूंढ दिए सो द फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट यूजिंग शॉर्ट वीडियोज़ एंड क्लैंड म्यूजिक टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट सो बेसिकली ये वाला जो ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए ही है एंड स्टार्ट पोस्टिंग शॉर्ट वीडियोज तो लाइक आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखोगे हर किसी को स्वाइप करना ही पसंद है एंड लोगों को छोटा वीडियो कंज्यूम करना काफ़ी पसंद है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग शॉर्ट वीडियोज़ सो हमें इसी बात का फ़ायदा उठाना है हम एंड हमें अपने बिजनेस के रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज़ बनानी है एंड उसे इंस्टाग्राम पर डालना है ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप देखेंगे कि पहले मैं पोस्ट डालता था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बट लाइक कुछ दिनों से मैंने खाली शॉर्ट वीडियोज़ बनाना चालू किए हैं जैसे आप यहाँ पर ये आइकन देख सकते हैं तो बेसिकली ये आइकन है शॉर्ट वीडियोज़ का सो so, बेसिकली

आपका बिजनेस तो आप अपने बिजनेस के लिए लाइट सोशल मीडिया फाइंड कीजिए कि लाइक बी टू सी बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बेस्ट है एंड बी टू बी बिजनेस के लिए लिंकड बेस्ट है सो स्टार्ट यूजिंग दैट सोशल मीडिया बिकॉज हर दूसरा आदमी अभी सोशल मीडिया पे है तो बेसिकली जहाँ पब्लिक वहाँ पब्लिसिटी जहाँ अपना पब्लिक होगा वहीं अपन अपनी पब्लिसिटी करेंगे नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द गेम ऑफ सर्च इंजन सो सर्च इंजन जैसे अपना गूगल हो गया बिंग हो गया ये होता है सर्च इंजन अब कई लोग क्या कहते हैं बस अपनी लोग आएंगे बट ऐसा नहीं होता है लोग नहीं आते वेबसाइट बनाना लाइक अपना दुकान खोलना अब दुकान के अंदर अपने को लोगों को लेके भी तो आना है तो इस स्लाइड में हम वी विल सी ऑल दैट वेस्ट दैट हाउ वी कैन गेट क्लाइंट टू अवर वेबसाइट सो दर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट पुटिंग वेल्यूएबल ब्लॉग्स एंड आर्टिकल इन योर वेबसाइट सो लाइक सपोज आपकी ट्रेवल एजेंसी है सो लाइक दिस कैन बी द टॉपिक दैट वॉट आर द टॉप टेन थिंग्स यू हैव टू टेक इफ यू आर प्लानिंग अ बाइक क्लिप टू लद्दाख तो बेसिकली ये एक टॉपिक हो गया हम इसके अंदर सब पॉइंट्स लिख सकते हैं कि अगर हम अपने बाइक से लद्दाख क्लिप कर लें तो क्या क्या टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं सो एंड सेकेंड टॉपिक में भी लाइक इफ़ यू आर विजिटिंग then देन are आर द फाइव मोस्ट places that दैट यू हैव टू विजिट सो बेसिकली उस ब्लॉग में हम क्या लिख सकते हैं ऐसी पांच जगह लिख सकते हैं अगर आप महाबलेश्वर विजिट कर लें तो ऐसी कौन सी पांच जगह हैं जो आपको विजिट का ही नहीं अपने ब्लॉग में सो so, बेसिकली उसके नीचे हमें कॉल टू एक्शन भी देना है कॉल टू एक्शन मतलब वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग टूअर्स एंड ट्रेवल सर्विसेज टू महाबले और टू लद्दाख इफ़ यू वॉन्ट मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट दर्स इसके भी बहुत स्मार्ट तरीके है होते हैं वेबसाइट में हम कैसे अपना सीटें लगाएं कि ज़्यादा एंड ज़्यादा लोगों की लीड्स हैं सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट पुटिंग वैल्यूएबल ब्लॉग्स द सेकेंड स्टेप इज

डिजाइनिंग कंपनी सो हेयर यू कैन सी दैट हेयर इट इज़ शोइंग एड एंड द फस्टली वेबसाइट इज शोइंग एड एंड आफ्टर दैट ऑल द वेबसाइट्स आर कमिंग तो जो पहली वेबसाइट हैं वो सब एडवर्टिजमेंट के थ्रू ही ऊपर आ लिए इनका कोई इतना अच्छा ए सी ओ नहीं हुआ हुआ ए सी ओ वाली वेबसाइट सब अपनी यहाँ से डिस्प्ले हो लिये हैं तो लाइक स्टार्टिंग एडवर्टिजमेंट फॉर योर वेबसाइट इज वन ऑफ द बेस्ट वे इफ यू आर जस्ट इस्टार्टिंग टू मेक योर बिजनेस ऑनलाइन एंड अगर आप अभी जस्ट अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आए हो तो सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज नाओ लेटस्ट मूव टू द ऑर्गेनिक पाथ सो दर्ड पॉइंट इज स्टार्ट चूसिंग लाइक कीवर्थ फॉर प्लॉपर एस सी ओ अब कई लोग क्या कहते हैं जैसे वेबसाइट डिजाइन कंपनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने रिजल्ट हैं एंड बेसिकली अगर अभी मैं अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड पे रैंक करूँ तो बहुत मुश्किल है एक साल भी मैं मेहनत करूँगा तो नहीं आ पाएगी बट अगर मैं ये डाल देता हूँ पिम्पली सपोज ये ऐसी मैंने एक वो ले लिया है कीवर्ड ले लिया है अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दे आर आर ऑलनी सिक्सटी फोर लिजल एंड बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जजटाइल हो गई या सलेखा हो गया बेसिकली ये सब ही वेबसाइट है यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है कि हम अपनी वेबसाइट लैंक कह गए सो बेसिकली स्टार्टिंग में हमें क्या कहना है हमें ऐसे टाइप के कीवर्ड्स ही लेने हैं अपने वेबसाइट को लैंक कहने के लिए एंड जब अपनी वेबसाइट स्टार्ट हो गई लैंक कहीं नहीं देन उसके बाद हम हाई फाई कीवर्स ले सकते हैं जैसे वेबसाइट डिजाइन कंपनी बिकॉज अगर हमने स्टार्टिंग से ही ये कीवर ले लिया तो बहुत मुश्किल है ये मतलब वही बात हो गई कि बच्चा चलना सीखा नहीं उसको सीधा बाइक दे दी हाथ में सो लाइक दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड कई एजेंसीज क्या कहती हैं यही मिस्टेक कहती हैं एंड साल हो जाते दो साल हो जाते वेबसाइट अब हो ही नहीं पाती और फिर आखिर में क्लाइंट ही परेशान होकर चले जाते हैं कि लाइक इस एजेंसी को काम नहीं आ है या फिर ऑनलाइन गेम ही मतलब ऑनलाइन बिजनेस लाने का गेम ही पूरा स्कैम है सो द थर्ड पॉइंट इज वी हैव टू चूज द लाइट कीवर्ड एंड हैव टू स्टार्ट विदर एस ई प्लान सो द फोर्थ पॉइंट इज वी हैव टू मेक फनल्स एंड ई मेल मार्केटिंग ऑटोमेशन तो बेसिकली अगर आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा अगर आप कोई भी चीज़ ऐड टू कार्ट कहते हो या कोई भी चीज़ देखते हो आपको उसी के एडवर्टिशमेंट दिखने लग जाते हैं एंड वो एडवर्टिजमेंट तब तक दिखते हैं जब तक आप उस चीज़ को लेते नहीं हो तो बेसिकली हमें भी वही सीन कहना है हमें भी फनल बना लें एंड हमें भी ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन कहना है लाइक right? सपोज अगर कोई आपकी वेबसाइट पर आया उसने कोई एक पेज देखा लेकिन वो पेज के आगे वो नहीं जा पाया तो हमें वापस से उसको ले टाइगेट कहना है एंड उसको ई मार्केटिंग के थ्रू हमें बाय बाय उसको याद दिलाना है कि आपने ये वाले पेज विजिट किया था एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर सर्विस यू कैन बुक एंड वी कैन ऑल्सो गिव हिम डिस्काउंट कि वो ज़्यादा चांसेस बन जाएँ कि वो हमारी सर्विस ले एंड द लास्ट पॉइंट इज बी कंसटेंट्स तो लाइक कभी कभी क्या होता है कि एजेंसी भी कुछ गलत काम करती हैं लाइक वो जूठे वादे कहते हैं कि लाइक हम एक या दो महीने में ही आपको एक अच्छा खासा बिजनेस दे देंगे बट ऐसा नहीं होता मिनिमम तीन महीने का टाइम लगता है एक बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप होने में जैसे अगर हम अपनी दुकान बनाते तो दुकान भी एक ही दिन में नहीं बन जाती तो उसको भी काफ़ी समय लगता है वैसे ही एक बिजनेस को ऑनलाइन प्लॉपर बनने में तीन महीने लगता है तो कई लोग क्या कहते हैं पैसा बनाने के चक्कर में कई एजेंसीज झूठे वादे कह देती हैं कि हम एक या दो महीने में ही आपको काफ़ी बिजनेस ला दे देंगे एंड जैसे ही वो टाइम निकल जाता है जो भी मीन्स जो भी बिजनेस ओनर है जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट एक एजेंसी को दिया हुआ है वो कैंसिल करवा देता है प्रोजेक्ट ड्यू टू ऑल दिस थिंग सो लास्ट टॉपिक इज दैट बी कंसिस्टेंस बार एजेंसी जिस भी एजेंसी को आप चुन लो उनसे आप प्रॉपरली बात कर लीजिए कि, कि कितने महीने लगेंगे ये हर एक लाइक नीच के लिए अलग अलग होता है ऐसा नहीं है कि जितना ही टूवल एजेंसी को लगेगा उतना ही एक वेबसाइट एजेंसी को भी लगेगा एंड लाइक like, वी ऑल्सो चेकआउट ऑल द बिजनेस लाइक ऑल द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस हम क्या कहते हैं एक बिजनेस की फुल डिटेल चेक कहते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं कि लाइक like, तीन महीने लगेंगे फोर महीने लगेंगे लाइक like, छः महीने लगेंगे सो द लास्ट पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइक स्टार्ट योर जर्नी बाय चूसिंग अर्स लाइक हम भी एन के एम डिजिटल में वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑल दिस सर्विसेज एंड वी स्टार्टेड अवर जर्नी आफ्टर कोविड सो लाइक बेसिकली कोविड टाइम में आप सब जानते हैं काफ़ी बिजनेस डाउन चले गए थे एंड तब से हमने बिजनेसिस को ऑनलाइन मूव कहना चालू किया बिकॉज लाइक आई स्टार्ट माई बिजनेस बाय हेल्पिंग पीपल मैंने लोगों की दिक्कत देखी कि उनको क्या दिक्कत आ रही है एंड लाइक ऐसा नहीं है कि बिज़नेस बिज़नेस ही खाली इफेक्ट हुए हैं बिजनेस के साथ साथ कस्टमर भी इफेक्ट हुए हैं लाइक like, लोगों को सर्विस चाहिए था ऐसा नहीं था कि लोगों को कोई सर्विसेस ही नहीं चाहिए थी हो क्या गया था यहाँ पे लोगों को सर्विस चाहिए थी बट लॉकडाउन की वजह से वो किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे उनको सर्विस नहीं मिल पा रही थी सो इन दैट केस ऑनलाइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट टू गेट स्टार्टेड एंड टू स्टे कनेक्टेड सो वी स्टार्टेड अवर जइनी इन

अवर स्टाइल ऑफ वर्किंग हम क्या कहते हैं क्लाइंट को पहले ही सब कुछ बता देते हैं वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी थिंग टू क्लाइंट एंड इफ ही इज कम्फर्टेबल देन वी आर वर्किंग फ्रॉम फॉर देम सो बेसिकली ये एक पॉइंट है जो हमें बाकी सब लोगों से अलग बनाते हैं बिकॉज हम पहले ही क्लाइंट को सब कुछ क्लियर कह देते हैं सो लाइक ही शुड नो लाइक वॉट इज गोइंग ऑन इन द एजेंसी सो दैट्स वे वी हैन ऑफ द बेस्ट एजेंसी फॉर यू So please, 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 if you want to start your project with us, please. फिल आउट द फॉर्म बिलो और प्लीज़ क्लिक द बटन बिलो बाय क्लिकिंग द बटन बिलो आवर टीम विल कॉन्टैक्ट टू यू एंड वी विल बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल फॉर यू एंड लाइक इन दैट कंसल्टेसन कॉल हम पहले आपके बिजनेस को समझेंगे कि आपका बिजनेस क्या है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम आपको फ्री कंसल्टेसन देंगे कि आप अपने बिजनेस के लिए क्या कह सकते हैं एंड इफ यू आर चूसिंग अस देन वी विल टेल यू ईच एंड एवरी थिंग दैट आप अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन लेके जाएंगे एंड हम आपके लिए क्या क्या काम करेंगे कैसे क्या काम करेंगे व्हाट विल बी द बजट एंड कितना टाइम लगेगा आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने में सो लाइक ए टू जेड थिंग वी विल एक्सप्लेन यू कंप्लीटली यू विल गेट द कंप्लीट डिटेल कि कैसे क्या काम चलेगा एंड कैसे आपका बिजनेस ऑनलाइन आएगा सो दैट्स वाई प्लीज स्टार्ट क्लिकिंग द बटन नाउ एंड प्लीज़ प्लीज प्लीज कॉन्टैक्टस फॉर अ फ़्ली कंसल्टेसन कॉल एंड अगर आपको कुछ डिटेल में भी समझना है कि लाइक कैसे क्या बिज़नेस ऑनलाइन आएगा देन ऑल्सो यू कैन क्लिक द बिलो बटन लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक आपने नीचे का कोई बटन दबा लिया तो लाइक आपको हमें चूज कह नहीं पाले गए आपको हमें हम हमारे साथ ही काम करना है बेसिकली आप चीज़ें समझने के लिए भी एक फ़्ली कंसल्टेसन कॉल बुक कर सकते हो सो हेर आवर टर्म्स एंड कंडीशन लाइक कभी कभी क्या होता है बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है क्लाइंट एडवांस भी दे देता है बट वो अपनी बिजनेस डिटेल एंड क्या है उसका बिजनेस वो दे ही नहीं पाते हैं सो बेसिकली वी वांट ऑल द बिजनेस डिटेल एंड एक्सेस ऑफ द डोमेन लाइक सपोज आपके पास कोई डोमेन या होस्टिंग है तो हमें उसका एक्सेस भी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट क्योंकि अगर हमें एक्सेस नहीं मिला तो हम काम नहीं कर पाएंगे एंड अगर काम नहीं कर पाया तो फिर आपके बिजनेस को ही ज्यादा टाइम लगेगा ऑनलाइन आने में एंड लाइक द सेकेंड पॉइंट इज वी बिलीव इन क्वान्टिटी सो एस ऑफ नाउ वी आर वर्किंग विथ लिमिटेड क्लाइंट्स ऑनली सो लाइक हम वो लोग नहीं है जो भेदाल में चले और कुछ भी उठाते जाए वी बिलीव इन क्वालिटी सो बेसिकली अभी हम कुछ ही क्लाइंट्स के लिए देख लें क्योंकि अगर हमने काफ़ी सब क्लाइंट्स ले लिए तो हमें एक क्लाइंट के पीछे काफ़ी कम टाइम देना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते वी आर गिविंग टाइम एंड एकवली टाइम टू ईच एंड एवरी बिजनेस एंड वी आर वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी बिजनेस विद अवर हार्ट एंड सोल हम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं कि अगर कोई कस्टमर अपने पास आया है तो हम अपनी जितनी जितना बेस्ट से बेस्ट हो पाता है हम उतना दें एंड इसके लिए हमें क्वांटिटी लिमिटेड रखनी पड़ेगी बिकॉज दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हैं सो देयर विल बी द बॉन्ड ऑफ थीम अंड बिकॉज लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट होता है वो कम से कम तीन महीने तो लेता ही अगर कोई भी आपको ऐसे कह लें कि एक या दो महीने में मैं आपको क्लाइंट्स ला के दूंगा तो ऐसे नहीं होता अब ऐसा भी नहीं कि आपके पास एक भी लीड नहीं आएगी एक भी क्लाइंट नहीं आएगी आएगा बट लाइक अकॉर्डिंग टू तो एक्सपेक्टेशन कम से कम आपको तीन महीने लगेंगे मतलब ऐसा नहीं होता कि एक या दो महीने में आपका बिजनेस एकदम टॉप नोच हो जाएगा बट ऐसा भी नहीं है तीन महीने में आपको एक भी आएगीवी नीड थ्री कैन क्लोवाइड सो प्लीज कॉन्टेक्ट अस नाउ बाई क्लिकिंग द बटन बिलो एंड आई एम प्रोमिसिंग यू दैट वी आर वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू मूव योर

सो गैस थैंक यू अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड नाउ प्लीज प्लीज़ प्लीज़ प्लिक आउट द बिलो लाइक यू कैन ऑल्सो फिल आउट द फॉर्म बिलो एंड नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड आई एम एक्साइटेड टू मीट विद यू एंड वी विल लुक आउट टू योर बिजनेस कि आपका बिजनेस किस टाइप का है उसमें कैसे क्या टाइम लगेगा एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग कम्प्लीट रिजल्ट हम आपको कम्प्लीट डिटेल्स देंगे कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके आ सकते हैं सो प्लीज़ 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 फ़िल आउट द फॉर्म बिलो एंड एस आई हैव टोल्ड यू इट इज़ फॉर लिमिटेड कस्टमर्स ऑलनी एंड इट विल बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सो प्लीज़ फिल आउट द फॉर्म बिलो नाउ सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे